जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद में जो पुष्यमित्र सुंग जो कि एक ब्राह्मण था, उसने लास्ट ब्रह्म तक मौर्या को, जो मौर्य साम्राज्य का लास्ट राजा था, उसको खत्म करके एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना कर ली थी। पहले एक बौद्ध साम्राज्य था, क्योंकि मौर्या बुद्धिस्ट थे, है ना, तो पहले एक बौद्ध साम्राज्य था। उस बौद्ध साम्राज्य को खत्म करके इस ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इस चीज का उस वक्त के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या ऐसी सात मुख्य घटनाएं घटी या सात मुख्य ऐसी बातें क्या हुई जो कि उस समाज पर उस वक्त हुई, पुष्यमित्र सुंग के जीतने से क्या सात बातें उसने उस वक्त के समाज पर थोपी, है ना, क्या सात बातें उस वक्त के समाज पर थोपी पुष्यमित्र सुंग ने जब उसका राज आया, जब ब्राह्मण राजा बने तब। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म पर। तो चैप्टर नंबर 7 द ट्रिम्फ ऑफ ब्राह्मणिज्म हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जहां पर बाबा साहब ने इस कॉन्सेप्ट को बताया है, बाबा साहब बोलते हैं द क्यूरियस विल नेचुरली आस्क व्हाट डिड दिस ट्रम्पेट ब्राह्मणिज्म डू। मतलब जो ब्राह्मण जीत गए और ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हो गया, पुष्यमित्र सुंग जो कि खुद एक ब्राह्मण था वो राजा बन गया, तो फिर उसने क्या किया, है ना, क्या ऐसी सात बातें की, है ना। तो उन सात बातों को, उन बातों को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पहली बात थी वो थी कि इट एस्टेब्लिश द राइट ऑफ ब्राह्मण टू रूल एंड कमिट रिसाइड। मतलब उन्होंने कानूनन एक ऐसी चीज बना दी कि जो ब्राह्मण है वो राज्य कर सकता है। आज से पहले क्या है, पुष्यमित्र सुंग के आने से पहले ब्राह्मणों को राज्य करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण जो भी उनका उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो भी पूजा पाठ करना या जो भी बलि देना उस तरह का वो काम किया करते थे, लेकिन उनको राज्य करने का, राजा बनने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब नियम में संशोधन कर दिया गया, है ना, कानून में संशोधन कर दिया गया और ब्राह्मण भी राजा बन सकता है और कमिट रजिस्टर्ड, मतलब कमिट रजिस्टर्ड मतलब किसी भी राजा को मारकर, है ना, रजिस्टर्ड का मतलब होता है राजा को मारना, किंग को मारना, उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं। तो किसी भी राजा को मारकर ब्राह्मण राजा बन सकता है, इस तरह से कानून बना दिया गया कि ब्राह्मण राजा बन सकता है और उसके लिए उसको किसी राजा को मारना पड़े तो उसको मार सकता है। दूसरा पॉइंट है कि इट मेड द ब्राह्मिन्स ए क्लास ऑफ प्रिविलेज पर्संस। तो पुष्यमित्र सुंग के राजा बनने से पहले क्या है कि जो ब्राह्मण है वो भी औरों के लिए, औरों के समान, और जो क्लासेस थी क्षत्रिय वैश्य शूद्र या और जो लोग हैं उनके बराबर थे, उनका सोशल स्टेटस औरों के बराबर था। लेकिन पुष्यमित्र सुंग ने इस तरह के नियम कानून बनाए कि ब्राह्मण एक प्रिविलेज क्लास बन गई, है ना, ब्राह्मण एक जो भी है प्रिविलेज पर्सन बन गए, इस तरह के नियम कानून बनाए गए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि इट कन्वर्टेड द वर्णा इनटू कास्ट। पहले क्या वर्णा हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये जो जाति बनी ये पुष्यमित्र सुंग के दौरान ही बनी कि वर्ण को जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो चौथा पॉइंट है वो है इट ब्रॉट अबाउट ए कंफ्लिक्ट एंड एंटी सोशल फीलिंग बिटवीन द डिफरेंट कास्ट। और जो ये पुष्यमित्र सुंग है, ब्राह्मण राज्य था, इसका जो प्रभाव पड़ा सोसाइटी पर वो ये पड़ा कि जो डिफरेंट कास्ट थी, डिफरेंट जातियां थी, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और एंटी सोशल फीलिंग आ गई उनके बीच में। पहले इस तरह का नहीं था मौर्य काल में, लेकिन ब्राह्मणों के काल में ऐसा हो गया। पांचवा जो पॉइंट था वो था कि इट डिग्रेडेड द शूद्रास एंड द वुमेन। मतलब ये ब्राह्मण काल के अंदर, पुष्यमित्र सुंग के काल के अंदर शूद्र और वुमेन की स्थिति बहुत ही खराब कर दी गई बाई लो, कानून बनाकर, ऐसे ऐसे कानून बनाकर शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब कर दी गई थी। छठा पॉइंट है इट फॉग द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इट फॉग द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब है कि जो वर्णाश्रम था पहला, मान लो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र एक लचीला सा सिस्टम था, है ना, इनमें कोई मतलब ऐसे बहुत ऊंच नीच वाली चीज नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये ऊंच नीच वाली चीजें पैदा कर दी, ग्रेडेड इनइक्वलिटी, कि ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचा होगा, क्षत्रिय उससे नीचे होगा, वैश्य उससे नीचे, शूद्र सबसे नीचे, इस तरह की भावना उन्होंने, इस तरह का मतलब चीजें कर दी बाई लो, कानून बनाकर, ऐसे नहीं सिंपली बोलकर, कानून बनाकर ये सब चीजें उन्होंने की। सातवां पॉइंट है इट मेड लीगल एंड रिजिड द सोशल सिस्टम विच वाज कन्वेंशनल एंड फ्लेक्सिबल। मतलब वही बात है कि जो वर्णाश्रम धर्म, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की एक सोशल सिस्टम था और कुछ कोई सिस्टम था, वो पहले क्या है कि फ्लेक्सिबल था, है ना, ऐसा रिजिड नहीं था, लेकिन इन्होंने कानून बनाकर बाय लॉ लीगली उस सिस्टम को बहुत ही रिजिड कर दिया,
बहुत ही पक्का कर दिया, बहुत ही पुख्ता कर दिया, जो कि पहले फ्लेक्सिबल हुआ करता था। तो फ्रेंड्स ये चार, ये सात, सेवन पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि स्थापित किए गए, बनाए गए बाय लॉ, कानून स्थापित किया गया इन सब चार सातों पॉइंट्स को समाज में आरोपित करने के लिए, रोपित करने के लिए, समाज को कंपेल करने के लिए इन सातों पॉइंट्स को माने, कानून बनाए गए ऐसे। तो इस तरह से ये सात इंपॉर्टेंट बातें, घटनाएं घटी। ब्राह्मण जब पुष्यमित्र सूं, जो कि ब्राह्मण था, जब वो राजा बना तो उसने ये सात इंपॉर्टेंट पॉइंट समाज पर थोप दी थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।